नमस्कार, मैं हूं प्रभा। जैसे जैसे साल समाप्त होता जा रहा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्माती जा रही है। चुनाव मार्च अप्रैल में होने की संभावना है, जब बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी और कटाई का काम पूरा हो जाएगा। यूपी का मूड सभी राजनीतिक दलों के लिए मायने रखता है, क्योंकि यूपी सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है और सबसे अधिक सांसद यहीं से आते हैं। वास्तव में यूपी तय करेगा कि 2024 में दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। आइए देखते हैं रिपोर्ट। ये बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए एक लिटमस टेस्ट होगा, जो यूपी के चार मुख्य दावेदार हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। अभी बीजेपी के पास सदन में भारी बहुमत है और सदन की संरचना नारंगी रंग में रंगी हुई है। बीजेपी के पास वास्तव में बाकी की तुलना में बेहतर संभावना है, क्योंकि अधिकांश मौजूदा विधायकों को रियायतें देने के लिए बेहतर स्थिति में रखा गया है। लेकिन इसे किसानों के आंदोलन, विशेष रूप से लखीमपुर खीरी कांड के बाद से नुकसान उठाना पड़ा, जिसने इसकी प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से प्रभावित किया। राजनीति में 5 महीने का लंबा समय होता है। चुनौती देने वाले अखिलेश यादव की सपा बेहतर स्थिति में है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और न ही उसे सत्ता विरोधी लहर का डर है, जिसे योगी सरकार निपटेगी। हालांकि उसके पास अपने झुंड को एक साथ रखने का बड़ा काम होगा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि राज्य को योगी सरकार नहीं, योग्य सरकार की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में वापस आती है, तो वो उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिनके सदस्यों ने किसान आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाई थी। बिल के बाद यादव ने कहा, किसानों के आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 700 किसानों के परिवारों की मदद कौन करेगा? सपा ने राज्य में सत्ता में वापस आने पर उनके परिवारों को वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के बाद संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश को योगी सरकार की नहीं, योग्य सरकार की जरूरत है। अगली बार यूपी के लोग एक योग्य सरकार को वोट देंगे। कांग्रेस कैडर में विश्वास जगाने के लिए प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस वापस आ गई है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या कैडर को पहले स्थान पर ढूंढना है। इसका आधार 1988 में बहुत पीछे चला गया था और तब से कांग्रेस केवल और नीचे खिसकने में कामयाब रही है। हाल ही में प्रियंका गांधी बुंदेलखंड के दौरे पर थी और भीड़ की प्रतिक्रिया जबरदस्त थी, लेकिन क्या ये वोटों में तब्दील हो पाती है, ये देखना बाकी है।